कि गुनाह से तौबा करने वाला, सच्ची तौबा करने वाला इस तरह है कि जिसका उसने गुनाह किया ही नहीं। जब तक सांस से अंदर है सच्ची तौबा कर ले, जिंदगी गाफिल की भी गुजर जाती है और जिंदगी जाकिर भी गुजारता है, दिन गाफिल के भी गुजर जाते हैं, दिन जाकिर भी गुजारता है। खुद सोच ले, जिक्र करने वाले के शबो रोज अफजल है ये जो गाफिल हो चुका है उसके शबो रोज अफजल, खुद ही सोच लेना। एक बंदा अपने मुर्शिद अपने रहनुमा की संगत में बैठता है और एक बंदा अपने मुर्शिद की मजलिस से दूर रहता है। जो दूर रहने वाला है उसकी हालत भी देख ले और जो मुर्शिद की नजरों में रहने वाला है उसकी हालत भी देख ले। मुर्शिद की अल्लाह वालों की मजलिस का छूट जाना किसी जाकिर के लिए इसी तरह है जिस तरह माहिये बे आब होती है। मछली बिना पानी के रह सकती है, आशिक भी अपने मुर्शिद के बगैर नहीं रह सकता, दीवाना भी अपने मुर्शिद के बगैर नहीं रह सकता। कभी हो सकता है कि जुगनू हो और बाग ना हो, हाँ बोले, हो सकता है कि बुलबुल हो और बाग के फूलों का माहौल ना हो, बुलबुल बाग के बगैर रह ही नहीं सकती, तो जाकिर किस तरह अपने मुर्शिद के बगैर रह सकता है। मैं हैरान होता हूँ उन लोगों पे जो छह छह माह साल साल अपने मुर्शिद के दर पे नहीं आते और वो जिंदा भी है। भाई हमें तो 30 से 31 साल हो गए, हम अपने मुर्शिद के बगैर नहीं रह सकते। क्यों? जिसको मिनरल वाटर की आदत पड़ जाए ना, वो आम नल का पानी पिए तो उसका पेट खराब हो जाता है। हमें खालिस घी की आदत डाल दी मुर्शिद ने, क्या खालिस अल्लाह का जिक्र दिया, क्या दिया खालिस अल्लाह के जिक्र का नूर। ये वो मैं है मदीने से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों नजरों से मंगाई जाती है। और कुरान इस चीज पर गवाह है कि वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु वकान अमरुहु फुरुता। होता क्या है, होता क्या है, दोस्तियां बंदा जब लगाता है गाफिल लोगों के साथ, और जरूरी नहीं होता कि दुनियादारी गाफिल हो, बाद पीर भाइयों में भी ऐसे गाफिल होते हैं जो मुर्शिद से दूर करने का बायस बनते हैं, जो अल्लाह वालों से दूर करने का बायस बन जाते हैं वो भी गाफिल है, जो आपको आपके मुर्शिद से दूर कर रहा है। कुरान क्या कह रहे, वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और उसकी संगत में मत बैठ जिसका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया, और उसकी बात मत मान जिसका दिल हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया। वत्तबा हवाहु वकान अमरुहु फुरुता, उसने नफ्स व हवा की पैरवी की और उसका काम हद से बढ़ गया। उसकी संगत में ना बैठे जो मुर्शिद से आपको दूर करे, उसके पास बैठे जिसके पास मुर्शिद की मोहब्बत का खजाना मौजूद है। क्योंकि दरे मुर्शिद पे आएंगे तो दरे मुर्शिद पे आने के तो फैल अल्लाह पाक अपने फजल से आपको सजदों की तौफीक देगा। दरे मुर्शिद पे आते रहेंगे नजर पड़ती रहेगी, लिकुल शैइन सकालतुन वसिकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया हर शय को रंग लगता है, उसकी सफाई का कोई ना कोई तरीका है। कपड़ा मैला हो जाए तो साबुन से धोया जाता है, ज्यादा मैला हो तो केमिकल लगाए जाते हैं सर्फ से धोया जाता है, रंग लग जाए तो रंग वाला केमिकल ला के कपड़े को धोया जाता है। तो अगर दिल को रंग लग जाए तो हुज़ूर ने फरमाया दिलों को रंग लग जाए वो भी धुलता है, किससे, अल्लाह के जिक्र के नूर से धुलता है। और अल्लाह के जिक्र का नूर दुनिया की मजालिस से नहीं मिलता, अल्लाह के जिक्र का नूर अगर मिलता है तो अल्लाह वालों के कदमों में बैठ के मिलता है, औलिया सालेहीन की कदमों में बैठ के मिलता है। वो खुद भी गुनाह से बचते हैं और मखलूक खुदा को भी गुनाह से बचाते हैं। पंखा चल रहा हो एक बंदा कहे मुझे नहीं हवा आ रही,
तो किसका कसूर है? पंखे का क्या? अपना बोले सबको मुर्शिद तवज्जो का छटा एक जैसा मारता है। जैसे बारिश होती है ना, बारिश हो एक जगह बारिश बरसे तो बू आती है, दूसरी जगह बरसे तो फल फूल निकलते हैं, खुशबू पैदा होता है। बारिश का कसूर बोले बोले इसी तरह मुर्शिद भी त्वचो का छट्टा एक जैसा मारता है। आगे जिस तरह का सीना होता है वैसा ही रंग निकलता है, वैसे ही रंग बाहर आता है। एक मुरीद को त्वचो करूं, वो जिक्र की मजलिस करा रहा है, वो महफिले करा रहा है, वो दीन की खिदमत कर रहा है, दूसरे को समझा समझा के थक गया हूं। ओ भाई अल्लाह का जिक्र कर, तवज्जो ले, मोहब्बत कर, राबता रख, उसको समझा रहा हूं तो उस पर असर कोई नहीं हो रहा, उस पर असर ही कोई नहीं हो रहा। इसका मतलब है जमीन जमीन का फर्क है। जिस तरह बारिश बरसती है एक तरफ बरसे तो तासुन पैदा होता है, बदबू पैदा होती है, इसका मतलब उस जमीन पर गंदगी ज्यादा है, बू है। बारिश बरसेगी तासुन बनेगा और बू आएगी। एक तरफ तवज्जो की तो उसकी जमीन अच्छी थी, बारिश बरसी जमीन अच्छी थी, कलमे हरी थी, वहां से फल फूल पैदा हुए, सायादार हो गया। तो अल्लाह वाले से कुछ भी ना अगर मिले ना तो सोहने चेहरे की ज्यारत जरूर नसीब होती है। कुछ भी ना अगर मिले, मेरी बात समझ रहे हैं आप, कुछ भी ना मिले तो मुर्शिद के मीठे चेहरे की ज्यारत जरूर होती है। और मुर्शिद कौन होता है? जो अंदर बाहर से आपके साथ मुखलिस हो, आपसे प्यार करे, आपको गुनाह से बचाने का बायस बने। आप दुनिया की गफलत में पड़े हो, मुर्शिद दुआ कर रहा हो, या अल्लाह शाला ईमान सलामत रहे, जहां भी मेरा मुरीद हो ईमान सलामत रहे। इसलिए मेरे दोस्तों ये नफ्स नफ्स पलीत पलीत चकीता अजे असल पलीत ना सकता है। ये दुनिया की मोहब्बत सिवाय जहरे कातिल के कुछ भी नहीं है। इन संगतों ने काम आना है कब्रो हशर, दुनिया में भी कब्रो हशर में भी।